शताब्दी के संदर्भ में कांग्रेस ने, तब के कांग्रेस सरकार ने शताब्दी ट्रेन को शुरू किया था 2014 में। 26 इयर्स में टोटली 25 शताब्दी ट्रेन को कांग्रेस ने चालू किया और मोदी जी ने 3 साल के अंदर अंदर 50 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल रीच 75 ट्रेन। ये स्पीड में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रहा है। जितना हाईवे पिछले पुराने सरकार ने मिलकर किए थे उससे ज्यादा हाईवे कंस्ट्रक्शन मोदी सरकार के 9 साल में हुआ है। और नेहरू के एम्स का इसका बहुत बड़ा महिमा मंडन होता है ना, सिर्फ एक एम्स नेहरू ने किया था। नेहरू बिल्ट ओनली वन एम्स। डू यू नो हु बिल्ट द सेकंड एम्स? इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, सोनिया गांधी जी के टाइम में नहीं हुआ। द सेकंड एम्स वॉज बिल्ट बाय अटल बिहारी वाजपेयी। देन एम्स वॉज बिल्ट बाय मनमोहन सिंह, एंड मनमोहन सिंह जी ने एक एम्स बिल्ड किया, एंड मोदी जी ने 9 साल में 16 एम्स बिल्ड किए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब मोदी जी के पर्सनैलिटी को ताकत उनके काम के वजह से मिलता है। आप सोचिए 2014 में मोदी जी जनधन योजना शुरू करने से पहले देश के 50% आबादी को बैंक अकाउंट तक नहीं था। आप देश को विश्वगुरु कैसे बना सकते, देश के गरीब को आप सशक्त कैसे बना सकते जब उनके पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं होता है। 10 करोड़ देश में 10 करोड़ टॉयलेट्स हमने कंस्ट्रक्ट किए। 4 करोड़ महिला को पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब को आवास मिला है। आवास लगभग 10 करोड़ महिला को पहली बार LPG कनेक्शन मिला है। देश के 60 करोड़ जनता को 5 लाख रुपए तक फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, विश्व के सबसे बड़ा मेडिकल इंश्योरेंस मोदी जी ने किया। सो इन सभी काम जो है एजुकेशन से लेकर स्टार्टअप तक, पूरे विश्व में सबसे चीप इंटरनेट रेट देश में है। और आज आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन से आप देख रहे हैं, तो आज विश्व के सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर आज भारत है। और मोदी जी आने से पहले हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अपना स्पेस ही नहीं था। सो द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू इंडिया द लास्ट 10 इयर्स इज नरेंद्र मोदी।